अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं कौन हूँ और अनस ने वीडियो क्यों नहीं अपलोड की। क्योंकि आप वीडियो स्टार्ट करते ही आपके दिल में ये आया होगा कि अनस, ये तो अनस भाई की आवाज़ ही नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं अनस भाई ने वीडियो अपलोड की और मैं कौन हूँ और मैं क्यों अपलोड कर रहा हूँ। मेरा नाम उमर फ़ारूक है और मैं अनस का दोस्त हूँ। अनस इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर रहा क्योंकि वो एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है जिसमें वो बहुत बिजी है और वो वीडियो नहीं बना सकता। इसलिए मैं ही दो या एक या दो महीने तक मैं ही वीडियो बनाऊंगा जब तक उसका वो काम पूरा नहीं हो जाता वो प्रोजेक्ट। तो आज की हम इस वीडियो में जो है ना, मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपने ना गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए ना ट्रैफिक, लेकिन ज़रूरी नहीं होती गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के लिए, लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक भेज देते हो तो फिर आसानी हो जाती है आपको अप्रूवल लेने में, ठीक है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे ट्रैफिक लेनी है और अकाउंट भी गूगल से हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है अगर मैं आपको अच्छा लगाऊँ, और एक कमेंट भी कर देना है, साथ में शेयर भी कर देना है, और सबसे ज़रूरी काम आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ वाले लगे बेल आइकन भी प्रेस करके इसको ऑल पे सेट कर देना है। ट्रैफिक जो हमने गेन करनी है वो हमने एक वेबसाइट से गेन करनी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आपने उसके ऊपर अकाउंट बना देना है। ट्रैफिक आपने वीडियो पूरी देखनी है वरना आपको गूगल से ट्रैफिक नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो जब आपने उस लिंक पर क्लिक करना है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, तो आपके पास से पास जो है ना ऐसे इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे जो है ना ये वेबसाइट खुली हुई है और यहाँ पे आपने सबसे पहले अपना अकाउंट बना लेना है। साइन अप फॉर फ्री के बटन पे आपने क्लिक कर देना है। जब आपने इस बटन पे क्लिक करना है तो आपके पास जो है ना साइन अप, आपने जो है ना सबसे पहले यहाँ पे अपना यूज़र नेम दे देना है। कोई भी आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने अपना यूज़र नेम दे दिया। यहाँ पर आपने कोई भी अपनी ई मेल दे देनी है और यहाँ पे आपने अपना कोई भी पासवर्ड दे देना, कुछ भी दे देना, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने अपना पासवर्ड दे देना, कुछ भी दे देना। और उसके बाद जो है ना आपने ये कैप्चा सॉल्व करना है। कैप्चा सॉल्व करने के लिए जब आपने कैप्चा पे क्लिक करना है तो मैं दिखाता हूँ क्या इंटरफेस आता है। कैप्चा खुद ब खुद सॉल्व हो गया। अब आपने साइनअप के बटन पर जब क्लिक करना है ना, तो आपकी जो आपने यहाँ पर ये ई मेल दी होगी ना, इस पे इसके ऊपर एक कन्फर्मेशन लिंक जाएगा। आपने उसके ऊपर क्लिक करना है उस लिंक के ऊपर, तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। मेरे यहाँ पे पहले ही अकाउंट है तो मैं यहाँ पे जो है ना सिंपल साइन इन के बटन पे क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे साइन इन का बटन नज़र आ रहा है मुझे। इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो अब मुझे वो मेरे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेंगे, वो मैं देख के अपने अकाउंट में लॉग इन कर लेता हूँ। फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ से ट्रैफिक कैसे ले। ये अब लॉग इन वाला पेज खुल गया है। यहाँ पर अब मैंने मैं यहाँ पर अपना यूज़र नेम दे देता हूँ और यहाँ पे अपना नीचे मैं अपना पासवर्ड भी दे देता हूँ। पासवर्ड आपने कोई सख्त सा रखना है, किसी को पता ना चले, ठीक है। अब मैं साइन इन के बटन पे क्लिक करके अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाता हूँ। तो जी हाँ, यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है। मुझे तो यहाँ पे फ्री मिनट्स नहीं मिले, लेकिन जब आप नया अकाउंट यहाँ पे बनाएंगे तो आपको मिनट्स मिलेंगे। मुझे जो मिले थे मैंने इस्तेमाल कर लिए हैं, ठीक है। और मिनट से फिर आप जिनसे ना अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक ले सकते हैं। शायद इस वेबसाइट का आपको पहले पता हो, लेकिन आपको ये नहीं पता होना कि यहाँ से गूगल से कैसे ट्रैफिक लेते हैं। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर ट्रैफिक एक्सचेंज के बटन पर क्लिक कर देना, ये जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। और फिर जो आगे इंटरफेस आता है आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पे जिनसे ना आपको एक एक्सटेंशन ऐड करनी पड़ती है, मोबाइल में शायद ना ऐड करनी हो, लेकिन आप अगर पीसी यूज़ करें तो वहाँ पे आपको जिनसे ना एक एक्सटेंशन ऐड करनी पड़ती है। मैं इस वक्त ओपरा ब्राउज़र जिनसे ना यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए इनके पास उसकी एक्सटेंशन ही है ओपरा की, तो इसलिए ये जो कह रहे हैं क्रोम की एक्सटेंशन या कर लें या फिर फायरफॉक्स जिनसे ना वो ठीक रहता है, क्योंकि मैंने पहले इसका ये अकाउंट फायरफॉक्स में लॉगिन किया हुआ था। तो अभी भी मैं फायरफॉक्स में लॉगिन करके तो आपको फिर डिटेल से मिलता हूँ। तो ये देखिए अभी मैंने अपने रैंक बूस्ट अप एजेंसी ने इस वेबसाइट को मैंने अपने फायरफॉक्स के ब्राउज़र में लॉगिन कर लिया है
और आपको एक और बात बताऊँ, बैकग्राउंड से जो आवाज़ आ रही है आपने इसको इग्नोर करना है क्योंकि हमारे यहाँ पे काम हो रहा है, तो ठीक है ना। यहाँ पे मैं ट्रैफिक एक्सचेंज के अगर बटन पर दबाता हूँ तो ये मुझे कहेंगे कि आप यहाँ पे पहले एक्सटेंशन ऐड करें। ये देखें, यहाँ पे ये बटन आपको नज़र आ रहा है फायरफॉक्स एक्सटेंशन, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन जिनसे ना ऐड हो जाएगी। ये देखें, ये डाउनलोड हो रही है, ये एक्सटेंशन जो है डाउनलोड हो रही है, अभी ऐड हो जाती है थोड़ी देर तक। तो अब ये कह रहे हैं कंटिन्यू इंस्टॉलेशन के बटन पर क्लिक करो, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और अब ऐड के बटन में क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये एक्सटेंशन ऐड हो गई है। और अब मैं जो है ना आपको यहाँ पे पहले आप दूसरे लोगों की वेबसाइट व्यू करनी है जिससे आपको मिनट्स मिलेंगे, फिर उन मिनट से आप अपनी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेंगे। तो अब जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ, इस बटन पर क्लिक करता हूँ मैं फायरफॉक्स एक्सटेंशन के बटन पर। एक दफ़ा पेज रीलोड होगा ना तो ये बटन चला जाएगा। मैं पेज को एक दफ़ा रीलोड कर लेता हूँ, ये अभी मैंने पेज को रीलोड किया है, तो देखते हैं। पेज को रीलोड करते ही ये देखें, यहाँ पे बटन वो वाला चेंज हो गया, यहाँ पे आ गया स्टार्ट एक्सचेंज सेशन। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो दूसरे बंदों की वेबसाइट खुलेगी, तो फिर उनको व्यूज़ मिलेंगे, हमें मिनट्स मिलेंगे, उन मिनट से फिर हम अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक लेंगे। तो मैं स्टार्ट एक्सचेंज सेशन के बटन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखें, ये आगे से ये आया पेज, देखते हैं आगे क्या आ रहा है। ये देखें, यहाँ पे ये पॉपअप आ गया है, और ये देखें साइड में यहाँ पे मेरी वो वेबसाइट भी खुल गई है। मैं दिखाता हूँ, ये वेबसाइट जिनसे ने भी ओपन हो रही है। तो ये 47-43 हमें यहाँ पे ना जो सेकेंड जिनसे ने यहाँ पे इतने मिनट मिलेंगे, एक मिनट था ये 36 हो गया है। इस तरह हमने यहाँ पे ना मिनट्स जिनसे ना अपने सबसे पहले अर्न करना है, फिर आपने जिनसे ना अपने अकाउंट में दोबारा चले जाना है। तो मैं अब अपने अकाउंट में दोबारा पीछे जाता हूँ, और मेरे पास वैसे भी थोड़े मिनट्स तो नहीं है, मैं थोड़े से अर्न कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ आपने कैसे ट्रैफिक लेनी है। एक चीज़ और, ये देखें, ये मिनट्स ख़त्म होने वाले हैं, फिर आगे एक नया खुद बाखुद पॉपअप खुलेगा। आपने सिर्फ अपने पीसी को ओपन करके रह देना है, और अगर आपको मोबाइल में समझ नहीं लग रही तो आपने अपने भाई को फिर एक दफ़ा सिर्फ कमेंट कर देना, आपका भाई जो है आपको मोबाइल पर भी वीडियो बना के दिखा देगा, ठीक है। तो अब फिर एक दफ़ा ये वेबसाइट खुली है, दो दफ़ा इसने बंदे ने कंपेन लगाई होगी, तो सारे में खुद ब खुद ये देखें यहाँ पे वेबसाइट खुली होती है ये। तो ये लेकिन हमने जिस तरीके से ट्रैफिक लेनी है ना, वो हमें गूगल की तरफ से ट्रैफिक मिलेगी। यही तो मेन ट्रिक है जो आपको बतानी है। इस ये अब मेरे यहाँ पर मिनट ख़त्म हो जाते हैं, तो मैं अपने अकाउंट में जाता हूँ, मैं अपने अकाउंट में वापस आ गया हूँ। अब आपने जो है यहाँ पर डैशबोर्ड में जाना है, डैशबोर्ड में जाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास दो मिनट्स हो गए हैं, तो मैं अभी इनकी ट्रैफिक लेता हूँ। ट्रैफिक लेने के लिए देखते हैं, यहाँ पे वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जाने के बाद हमने यहाँ पे एक वेबसाइट ऐड करनी है, ये मैंने पहले से एक ऐड की हुई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और मैं एक मिनट हाँ कर देता हूँ डिलीट। और अब जो मेन चीज़ बताने लगा हूँ ना, आपने इस चीज़ को गौर से देखना, ठीक है ना। इसकी वजह से तो मैंने बहुत ऐसी मेरी वेबसाइट है जिन पर मैंने अप्रूवल लिया है, और मैं अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अभी आपने ऐड वेबसाइट के बटन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जो यूआरएल देना है ना, वो मेन चीज़ है, और ये ड्यूरेशन मेन चीज़ है। ड्यूरेशन आपने यहाँ पे जो है ना 35 सेकेंड कर लेनी है, 36 सेकेंड कर लेनी है, और यहाँ पर 30 कर लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये URL देना, बाकी आप हर चीज़ को छोड़ दें, उनको हमने छेड़ना नहीं है। बस अब ये जो URL है ये आपने कैसे देना है, आपने आ जाना है गूगल साइट्स में, मैं आपको दिखाता हूँ। आपने सिंपल सर्च करना है sites.google.com। अगर आप ये सर्च करेंगे तो आपके सामने गूगल साइट्स खुल जाएंगी। यहाँ पे आपने जो है ना अब ब्लैंक, ये जो प्लस का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है।
इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक खाली जो है ना पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ करनी है ना वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने सारे को जो है ना कर देना है रिमूव। यहाँ पे आपने सिंपल लिख देना है क्लिक, आपने यहाँ पे करना है क्लिक हेयर लिख देना है। और अब आपने जिस वेबसाइट पे या जिस पोस्ट पे आपने जो है ना ट्रैफिक लेनी है ना वो आपने वेबसाइट खोल लेनी है। मैंने जो है अपनी इस वेबसाइट पे अगर ट्रैफिक लेनी है या इस वेबसाइट के किसी भी पोस्ट पे जो है ना मैंने अगर ट्रैफिक लेनी है तो मैं सिंपल उसका जो है ना URL कॉपी कर लूँगा। ये देखिए इसका मैं अगर URL कॉपी कर लेता हूँ तो मैंने डायरेक्ट जो है ना रैंक बूस्ट अप जो सी वेबसाइट है उसके अंदर जाके यहाँ पे डायरेक्टली वैसे यहाँ पे पेस्ट नहीं कर देना। मैं यहाँ पे मैं पहले इस URL को कन्वर्ट करूँगा गूगल रीडायरेक्ट URL में, ठीक है ना, जिसकी वजह से हमारा जो है ना एक व्यू या एक विजिट जो सा होगा ना गूगल से काउंट होगा, ठीक है। अब आपने दोबारा गूगल सर्च में आ जाना, जहाँ पे आपने क्लिक है वहाँ पे ये जो क्लिक है लिखा हुआ है ना इसको आपने पूरे को आपने जो है ना सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने ये लिंक वाला बटन जो है ना इसके ऊपर क्लिक कर देना है, इंसर्ट लिंक का ये बटन है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मैं देखता हूँ क्या हुआ। जब आपने इस लिंक के बटन पर क्लिक कर देना तो यहाँ पर आपने जो है ना वो लिंक पेस्ट कर देना, पेस्ट कर दिया और अप्लाई पे क्लिक कर दिया। ऊपर आप एक दफ़ा फिर से क्लिक हेयर लिख दे। ओ यार ये क्या हो रहा है, यहाँ पे लिंक देते हैं और टाइटल में लिख देते हैं क्लिक हेयर। ओके अप्लाई के बटन पे आप क्लिक करते हैं तो ये क्या हुआ है। अच्छा समझ लग गई है। आपने ये यहाँ पे जिसके नीचे लाइन है ना सिर्फ आपने वो वाला रहने दे रहा है। और अब आपने जो है ना जो अब आपका काम पूरा हो गया, अब आपने सिंपल पब्लिश के बटन पे क्लिक कर देना है। आपने जो आपकी नई वेबसाइट का नेम है या कुछ भी यहाँ पे जो है ना आपने लिख देना है कुछ भी, ठीक है। और देखिए चेक कर यहाँ पे अब आप ये बटन पे क्लिक कर देना है। पब्लिश के बटन पे क्लिक करने के बाद क्या इंटरफेस आता है अभी आपको दिखाते हैं। यार ये पब्लिश हो जाए जल्दी। जब पब्लिश हो जाएगी आपने यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे ये व्यू पब्लिश्ड साइट पे आपने क्लिक करना है ना तो आपके पास जो है ना ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। अब आपने ये देखे आपके बस हमने ये एक चीज़ बनाई थी गूगल साइट और अब आपने इसके ऊपर अपना एरो लाना है, यहाँ इसके ऊपर क्लिक कर लीजिएगा। तो W हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे कॉपी लिंक एड्रेस, यहाँ से अब हमने जो लिंक कॉपी किया ना वो हमने रैंक बूस्ट अप आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। आप एक दफ़ा इस URL को ओपन करके देख लेना, ये डायरेक्ट आपको जो है ना आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करेगा। आपने मेरी एक और सुन लें, आपने जो है ना ये वाला URL कॉपी ये वाला इसके ऊपर लाना है, यहाँ से नहीं करना, यहाँ से इसके ऊपर से क्लिक एक जो है ना लिंक कॉपी करना है। ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ और अब आप एक दफ़ा चाहे लिंक ओपन करके देख लीजिएगा, ये आपको पहले गूगल पे रीडायरेक्ट करेगा फिर आपको आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करेगा। ओके तो अब मैं खोल लेता हूँ रैंक बूस्ट अप और सिंपल अब हमने जो है ना लिंक वहाँ पे दे के सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के बटन पे जब हमने क्लिक करना है, मैंने अभी क्लिक किया है तो देखते हैं अभी हमारी वेबसाइट ऐड होने लगी है।
ये देखे यहाँ पे हमारी सक्सेसफुली वेबसाइट जो है ना ऐड हो गई है। तो अब जो बंदा भी हमारी इस वेबसाइट को विजिट करेगा गूगल पे रिडायरेक्ट होके हमारी वेबसाइट पे जाएगा और 30 सेकंड वहाँ पे 30 से 36 सेकंड रहेगा। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको कहीं से भी समझ नहीं लगी। और एक और बात, अगर एक दफ़ा आप ये ट्राई करके देखें, आप अपनी गूगल आप अपने ब्लॉगर या वर्डप्रेस की स्टेट्स में जाके देखेंगे वहाँ पे गूगल से ट्रैफिक काउंट हो रही होगी। और एक और बात, और आपने ये ट्रैफिक जो थी ना गूगल एडसेंस अप्रूवल लेने से पहले यूज़ करनी, गूगल एडसेंस का अप्रूवल लेने के बाद नहीं यूज़ करनी, ये मैं आपको चीज़ बता दूँ। और एक आखिरी बात, अगर आपने वेबसाइट बाय या सेल करनी हो गूगल एडसेंस अप्रूव, तो आपको नीचे नंबर मिल जाएगा, आपने वहाँ पर कंटेक्ट करके वेबसाइट बाय या सेल करनी है तो आप कर सकते हैं। तो कहीं से भी समय नहीं लगी कमेंट कीजिएगा मैं, या अगर आपको मोबाइल पे समय नहीं लग रही कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो ज़रूर बना दूँगा। ओके, खुदा हाफिज़।